दोस्तों आज हम सीखेंगे कि जगौधा में चार्ट कैसे लगाया जाता है और वॉच लिस्ट में स्टॉक कैसे लाया जाता है। देखिए यहाँ पे स्टॉक का वॉच लिस्ट कितने देके रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यह 7। यहाँ पे कोई स्टॉक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट मतलब स्टॉक या ETF। आप मान लीजिए 3 पे कुछ भी नहीं, आप डालना चाहते हैं, क्या डालना चाहते हैं, मान लीजिए रिलायंस, ये उसके बाद मान लीजिए अदानी, अदानी अभी काफी न्यूज में है क्योंकि आपको पता है US वालों ने इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया है। एनीवे तो हम लाएंगे अदानी पोर्ट्स। उस तरह से कुछ और अगर लाना है जैसे पीली लाइन, इस तरह से आप आके यहाँ प्लस में बटन दबाएंगे तो जो पहले ग्रीन था अभी दूसरा ग्रे कलर हो गया है, मतलब ये ऐड हो चुका है। आप देखिए डिलीट करेंगे इसको, नीचे जाएंगे, अब देखिए पीली लाइट आ गया। तो अगर चार्ट देखना है तो आपको इस स्टॉक के ऊपर लेके जाना है, इसमें आपका बाय का ऑप्शन रहेगा जहाँ पे आप बाय कर सकते हो, सेल का ऑप्शन रहेगा सेल कर सकते हो। ये दबाएंगे तो आपका इस पर कितने लोगों ने कितना प्राइस डाला है, कितना क्वांटिटी डाला है आपको दिखने को मिलेगा, और ये डालेंगे तो आपका चार्ट दिखेगा। देखिए है ना, ये चार्ट हो गया। और अगर चार्ट आप एक्स्ट्रा दूसरे विंडो में देखना चाहते हैं तो इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चार्ट दिखेगा, देख लीजिए। देखिए यहाँ पे दो जो है आपका एनालिसिस, दो मूविंग एवरेज लगाया गया है, एक 21 डेज का और एक 200 का। तो हम यहाँ पे फिलहाल इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पे कहा गया इसको डिलीट करते हैं, कैसे लगाते हैं वो दिखाएंगे आपको। इसको भी डिलीट करते हैं, डायवर्स बॉक्स, कोई बात नहीं। देखिए यहाँ पे स्टडीज है, स्टडीज पे आपको जाना है ताकि आपको मूविंग एवरेज डालना है। मान लीजिए आपको मूविंग एवरेज लगाना है तो आपको ये मूविंग एवरेज मिल गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें पीरियड है 50 डेज का है और जो है क्लोजिंग बेसिस पे आपको लेना है। यहाँ पे आप देखिए सिंपल है, एक्सपोनेंशियल है, ट्रायंगुलर है, तो मैं लेता हूँ सिंपल, ठीक है। और पहला वाला जो रहेगा 50 डेज का रहेगा, ठीक है, डन कर दिया। इसमें आप देखिए सेटिंग में जाके ये कलर रेड है, आप चाहे कोई भी कलर इसमें पिक कर सकते हैं, डन। फिर स्टडीज में जाऊंगा मैं, फिर मूविंग एवरेज लिखूंगा, फिर आएगा, इस बार इसको हम 200 करेंगे। 200 स्पेशली माना जाता है लॉन्ग टर्म पोजीशन के लिए किया जाता है, लेकिन इसको लाल नहीं रखेंगे हम, इसको ग्रीन कर देते हैं, डन। ये ग्रीन है ना, उसके बाद आपको और लगाना है, आपको उसको हटाइए, RSI लगाइए, इसमें आप जाइए बाय डिफॉल्ट ओवरबॉट जो होता है आप 70 डाल दीजिए, ओवरसोल्ड 30 डाल दीजिए। इसका काला है, हम काला नहीं थोड़ा पिंक कर देते, अच्छा लगेगा, क्या बात, हर बार काला काला अच्छा ना लगे। 14 डेज स्टैंडर्ड है, कोई 10 डेज भी लेता है, 12 डेज भी लेता है, वो उसका मर्जी है। क्लोजिंग बेसिस पे लेता है कोई, कोई हाई लो बाय डिवाइडेड बाय 2 भी डालता है, बट मैं क्लोजिंग बेसिस पे ही लेता हूँ जो स्टैंडर्ड है, डन। फिर यहाँ पे आप डालेंगे वॉल्यूम, काफी कुछ वॉल्यूम यहाँ पे है, इतना हमें नहीं चाहिए, ये इसको भी डाल सकते हैं लेकिन इसको भी हम नहीं लेंगे। दैट इज वॉल्यूम प्रोफाइल, वॉल्यूम चार्ट नीचे आ गया, हमको ये वाला नहीं चाहिए, वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं चाहिए। ये दूसरे काम में आता है। तो इस तरह से आप जो है चार्ट लगा सकते हैं
चार्ट आप वीकली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, ये वीकली वाला चार्ट हो गया। आप मंथली बेसिस पे भी लगा सकते हैं, बहुत लोग मंथली बेसिस पे भी लगाते हैं अपने अपने सेटिंग्स के लिए। कोई इंटरडे के लिए 15 मिनट या 5 मिनट का भी चार्ट लगाता है इस तरह से। तो मैं स्विंग ट्रेडर हूँ, पोजिशनल ट्रेडर, तो मैं एक दिन का ही लगाता हूँ, एक दिन कभी कभी हफ्ते का ही लगाता हूँ। तो इस तरह से जगह में चार्ट लगाया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है, अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर कोई भी सवाल जवाब अगर आपका है तो जरूर पूछिए, उसका जवाब देने के लिए मैं कोशिश करूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।